जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तनाव से कैसे बाहर आए, डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, और जो डिप्रेशन से होने वाली हमारी समस्या है उन समस्याओं से भी आप कैसे बाहर आ सकते हैं। तनाव किसी भी वक्त हो सकता है और तनाव के लिए कोई कारण होना जरूरी नहीं है। तनाव पूर्ण रूप से मानसिक क्रिया है, न कि कोई बाहरी क्रिया है। ये मानसिक चेतना है, मानसिक क्रिया है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीजें होती है तनाव में, वो हमारे दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में होती है, न कि कुछ बाहर होती है। हमने कल्पनाओं में एक ऐसा संसार घड़ लिया है जिसे शाश्वत सत्य मानकर उसके साथ हम जी रहे हैं, और वो संसार पूरा नकारात्मक है। अब आप समझ जाइएगा कि उस संसार को बदलने की जरूरत है। माइंडसेट पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, और इर्द गिर्द जो चीजें आप दिमाग में कल्पनाएं कर रहे हैं उन कल्पनाओं को ना करें, क्योंकि वो कल्पनाएं कोरी मिथ्या है। अगर वो सच होती वो कल्पनाएं, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते, मन नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती, कुछ करने का मन नहीं होता है, खाना खाने का मन नहीं होता, जी घबराता है, और तरह तरह की न जाने कितनी सारी परेशानियां उसमें आप महसूस खुद करते होंगे, वो शायद मैं बयान नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहली जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कोरी कल्पनाएं कर ली है, एक ऐसा संसार खुद के इर्द गिर्द घड़ लिया है जो संसार वास्तविकता में है ही नहीं। तो उसका बेसिक उपाय है कि उस संसार जो आपने घड़ा है उस संसार से आप बाहर निकले, क्योंकि उससे बाहर निकलेंगे तो बहुत सी समस्याएं बाहर हो जाएगी। दूसरी बात है सकारात्मक एटीट्यूड, या सकारात्मक आपको होना। हम तौर पर हमें नकारात्मकता, प्यार में धोखा हो गए, व्यवसाय में हानि हो गई, उधार बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, और पारिवारिक हालात, रिश्तों में खटार, ये जितनी भी चीजें हैं इनकी देन है हमें, और इसे मोह माया भी हम कह सकते हैं। उसका एक ही उपाय है, वो है पहला, आप सुलह का रास्ता हमेशा रखें। सुलह का रास्ता रखें, माफी मांगना मांगना और माफ कर देना, दोनों रास्ते आप अपने पास रखें। नफा नुकसान न देखें किसी भी चीज में। और जो तीसरी बात कि जो लोग आपको थोपना चाहते हैं उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सबका हित चाहिए, आपका भी, सामने वाले का भी। ये एक भावना अगर शुद्ध होगी तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ये तो रही जितने भी आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती उनके लिए बात हुई। अब बात हम करना चाहेंगे कुछ बेसिक जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और इससे कई बार आपको बहुत फायदा होगा। कि पहली नंबर की बात, आप अपने आप को व्यस्त रखें, व्यस्त रहो, मस्त रहो। दूसरी बात, अपने मन में किसी प्रकार की भविष्य में आने वाली चीजों की कल्पनाएं ना करें, वो कल्पनाएं आपको दुखी करेगी, आपको नेगेटिविटी में डालेगी। तीसरी बात, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना बंद कर दें। जब ज्यादा सोचेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, और नेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिक सी बात है कि हम नकारात्मक होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। चौथी बात है, ईश्वर का स्मरण करें, मंदिर जाए, दर्शन करें, जो भी आपके इष्ट देवता उनके नाम ले, उनका जप करें, ये बहुत ही सबसे बेसिक है। पांचवी बात है, हमेशा अपने माइंड सेटअप को पॉजिटिव रखें, सहज रहें, सरल रहें, विनम्र रहें, क्रोध से दूरी बनाएं। अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।